हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनुराज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। एट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। B2B एंड सर्विस मार्केटिंग का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और आप सभी बहुत जोरों शोरों से मेहनत भी कर रहे हैं। एट क्वेश्चन अपना निकल कर आता है पर्सनल सेलिंग से। जी हाँ, पर्सनल सेलिंग क्या होती है? जब हम व्यक्तिगत रूप से कस्टमर के घर पहुँच जाते हैं या उसके मीटिंग फिक्स कर लेते हैं और कहते हैं कि आपको तो हमारा प्रोडक्ट लेना ही होगा, आप हमारे बिल्कुल एकदम जोरदार कस्टमर हो। थोड़ा सा हंसी मजाक चलते रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम का प्रेशर दिमाग पे ज़्यादा हो जाता है तो दिमाग प्रेशर कुकर बन जाता है। थोड़ा मस्ती से पढ़ते रहो क्योंकि पेपर लेंदी है, पेपर में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत सारे कंसेप्ट करके क्लियर कर रहे हैं, तो मस्ती से पढ़ते रहो, मेरे साथ पढ़ते रहो। अच्छे से हंसते हंसते आपका MBA निकाल देंगे। फर्स्ट से 3 सेमेस्टर तो हो गए, चौथा भी निकाल देंगे। तो पर्सनल सेलिंग क्या होता है? जब 1-to-1 सेलिंग होती है पर्सनल सेलिंग है, यूजुअली सारे जाने जानते हैं ये पर्सनल सेलिंग क्या होता है। इसकी कहीं डेफिनेशन तो हमने लिख नहीं रखी है, लेकिन पर्सनल सेलिंग व्हेन द कंपनी डायरेक्टली अप्रोच टू द कस्टमर एंड सेल द प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड द पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग से एक क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम के अंदर देखने को मिला है, जैसे कि अपन ने सप्लाई चेन से देखा था कि ये क्वेश्चन क्या क्या बोलता है कि पर्सनल सेलिंग फोर्स को आप कैसे सेलेक्ट करोगे, उनकी क्या ट्रेनिंग होगी या उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वो बताइए। तो पर्सनल सेलिंग इज द आर्ट ऑफ डील। पर्सनल सेलिंग कंसर्न टू मेनी सेल्स स्ट्रेटजी, इन्वॉल्व्स द सेल्स पर्सन डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द पोटेंशियल कस्टमर है ना। मैंने पर्सनल सेलिंग में एक ट्रेनिंग करी थी जिसमें हमने को डिक्शनरी बेचना सिखाया गया था, है ना। मतलब मैं एज अ ऑब्जर्वर ही गया था, मैंने ज्वाइन तो करा नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन को, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी। पहले के ज़माने में इस तरह के मोबाइल फ्रेंडली डिवाइसेस नहीं होते थे, हर घर में मोबाइल नहीं होता था और डिक्शनरी की एक बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी 500 रुपीज़ की आती थी और उस समय उसको सोल्ड करना मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी टास्क होती थी। तो जो पर्सनल सेलिंग है बेसिकली उसके अंदर वो डिक्शनरी सेल करना बताते थे और कहते थे कि आपको डेली 300 कस्टमर से मिलना है, 300 कस्टमर को अपना प्लान सुनाना है, लेकिन केवल 15 सेकेंड सुनाना है। अगर आप 15 सेकेंड में वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, 15 भी नहीं, 10-12 सेकंड में अगर वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको मूव ऑन हो जाना है। डायरेक्ट पूछना है कि सर मैं एक बुक बेचने के लिए आया हूँ, डिक्शनरी के लिए है, क्या आपके पास 2 मिनट है? अगर वो सुनने को रेडी है तब आपको 2-2.5 मिनट का आपको प्लान बताना है। 2-2.5 मिनट का प्लान बताओगे, इसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड है तब आप उसको 4-5 मिनट दीजिए, अगर नहीं है तो आप उसके बाद वापस मूव ऑन हो सकते हैं। इसलिए 300 कस्टमर आपको टच करने हैं। 300 में से कितने खरीदेंगे? मात्र 6 से 7 जने। अगर 6 जने भी खरीद लेते हैं तब जाके आपका रेवेन्यू 3,000 का बनता है। एक 500 रुपये का खरीदता है ना, तो वो 300, वो 6 खरीदने ढूंढने के लिए आपको 300 कस्टमर से मीट करना होगा। या पर्सनल सेलिंग की एक आर्ट होती है, इसके अंदर पोटेंशियल कस्टमर को अप्रोच करना होता है और उसको सोल्ड करना होता है। ये सेल्स फोर्स सिलेक्शन होता है, इससे क्या होता है कि आपके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, डायरेक्ट डीलिंग होती है। एक थोड़ा टीडियस प्रोजेक्ट है, बजटेड फ्रेंडली नहीं है, अगर इसके डिसएडवांटेज में लगते हैं तो लॉन्ग प्रोसेस है, बजटेड फ्रेंडली नहीं है। समटाइम्स जो सेल्स पर्सन रहता है वो अच्छे से ट्रेंड नहीं रहता। एडवांटेज में डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है, हायर सेलिंग की पॉसिबिलिटी होती है और इससे CRM कैलकुलेट कर सकते हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैलकुलेट हो सकते हो, डेटा इससे निकल कर आ सकता है, सर्वे में हेल्प होती है और एक्चुअली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें पता चल जाता है। जबकि हर किसी में पता ऐसा करे जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन कैसे होगा? जॉब डिस्क्रिप्शन बताई जाएगी, फिर कैंडिडेट की सोर्सिंग करी जाती है, उनको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कम्युनिकेशन स्टाइल, कॉन्फिडेंस, प्रोडक्ट नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, इन पर चेक किया जाता है और सेलेक्ट किया जाता है। नॉर्मली हर जॉब का जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है इनका भी ये रहता है, इसमें कम्युनिकेशन थोड़ा सा जोड़ देते हैं बस। और इनकी ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग में आपको प्रोडक्ट का नॉलेज के बारे में बताया जाता है, कंपनी के नॉलेज के बारे में बताया जाता है, सेलिंग की टेक्निक्स बताई जाती है। इसके लिए एक रॉकेट सिंह पिक्चर आई थी, जोरदार पिक्चर है, मस्त, मतलब मेरे का वन ऑफ द फेवरेट मूवी के अंदर आती है रॉकेट सिंह। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ कि उस पिक्चर को देखना। प्रोडक्ट नॉलेज, सेल्स टेक्निक करी जाती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है। ये बेसिकली इनके ट्रेनिंग का पार्ट है, यानी प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, टेक्निकल नॉलेज होगा, कंपनी का नॉलेज होगा, CRM का नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। और इनका कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन कैसे कराया जाता है कि सेल्स मैट्रिक्स इनके चेक करे जाएंगे, डेटा चेक करा जाएगा, एक्टिविटी ट्रैकिंग करी जाती है और कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है कि आप सर ये प्रोडक्ट बाय करा था तो कैसा रहा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब एक सेल्स फोर्स का एक साइकिल क्रिएट होने से इनका बेनिफिट क्या है? जब भी हम इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि एक पर्सनल सेलिंग का एक साइकिल क्रिएट हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमारे सेल्स प्रोसेस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ट्रेनिंग में हेल्प होती है, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड में होती है, सेल्स सस्टेनेबल एडवांटेज मिलता है हमको और हम इवेल्युएट कर सकते हैं अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैं एक
कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, अगर अभी तक आपको पर्सनल सेलिंग समझ में नहीं आया तो तुरंत समझ में आ जाएगा, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। पर्सनल सेलिंग क्या होती है कि हम एक बंदे को हायर करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं हम वापस मिस्टर पिंटू को हायर करा हमने हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब ये मिस्टर पिंटू का क्या काम है, हमारे प्रोडक्ट के इन मिस्टर पिंटू का वर्क क्या है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में पोटेंशियल कस्टमर को सर्च करना, हमारे पोटेंशियल कस्टमर को सर्च करना और उनको प्रोडक्ट सेल करना। इसका एडवांटेजेस क्या होगा, मिस्टर पिंटू से हमारे को डायरेक्ट रीच होगी कस्टमर के बीच में, है ना, हाई सेल्स की चांसेस होंगे, है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये बेटर होगा, सर्वे में हेल्प होगी, डेटा ड्रिवन टेक्निक यूज़ करी जाती है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो सकती है, एक्चुअल आरओआई, आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ये मिस्टर पिंटू के होने से हमको बेनिफिट होगा, ठीक है। लॉस क्या होगा कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है, टीडीएस प्रोसेस है, जब तक मिस्टर पिंटू वेल ट्रेंड नहीं होंगे तब तक दिक्कत है, तो ट्रेनिंग में दिक्कत आती है। अब इनको ट्रेनिंग कौन कौन सी दे दी जाती है, तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी, कंपनी की ट्रेनिंग होगी, टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, ये तीन तरीके की ट्रेनिंग इनको दे दी जाती है, और CRM की जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, और सेल्स की भी टेक्निक सिखाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को सिखाया गया था कि अगर आपको कोई भी 300 कस्टमर से मिलना है और 15 से 20 सेकंड आपको उससे डील करना है, ठीक है, तो यही वाली सारी चीज़ें सिखाई दी जाती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, अगले क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।